तो चलिए छात्रों आपके सुबह के यहां पे छह बज चुके हैं और छह बजे मैं आपका यहां पे पार्ट थ्री लेकर आ चुके हैं तो पार्ट थ्री में यहाँ पे बिल्कुल हम धूम मचा देंगे देखिए मैंने क्या किया था आपको किसी आपको पे व्यस्तता के कारण आपको पार्ट थ्री नहीं दे पाया था तो पार्ट थ्री बच्चों के कमेंट आपका यहाँ पे बार बार कमेंट करते है सर पार्ट थ्री दे दीजिए ठीक है तो यहाँ पर आपका मैं सुबह सुबह आपको छह बजे पूरा प्रेजेंट कर रहा हूँ आपका पार्ट थ्री और पार्ट थ्री में देखिए मैंने आपको बीस तक आंसर प्रॉपर आपको मैंने दे दिया ठीक है ग्यारह से लेकर बीस तक आंसर पूरा मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा कर दिया है तो यहाँ पर आपका आ चुका है अब यहाँ पे पार्ट थ्री पार्ट थ्री में आपका 21 से लेकर टोटल आपके हम यहाँ पे 24 तक के आंसर देंगे चलिए फटाफट यहाँ पर आंसर करते हैं बिना किसी देरी के आप गणित का आपका असली पेपर दिया जा रहा है आपको डाउट नहीं करना है एक एक क्वेश्चन पढ़िए और जैसा आपको कॉपी पर लिखना है वैसा ही मैं आपको कॉपी पर लिखा हुआ दिखाऊंगा बस आपको लिखना है और यहाँ पर आपको यहाँ पे साठ में से साठ लाना है और आपको यहाँ पे पेपर में गर्दा मचा देना है तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे देखते हैं आपका इक्कीसवा क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए देर गुत्री क्वेश्चन आपको इसमें लिखाया गया है कि आपको यहाँ पे नीचे दिए गए प्रश्नों को आपको हल करना है देखिए इक्कीस नंबर में एक स्कूल के दस अध्यापकों की आपको आयु इस प्रकार देखिए बत्तीस वर्ष इकतालीस अट्ठाईस चौवन पैंतीस छब्बीस तेईस तैतीस, और, तो क्या क्या और यहाँ से कम उम्र वाले तो तो आपको क्या मिलेगा आपको चौवन वर्ष मिलेगा और सबसे कम उम्र किसमें क्या मिलेगा आपको यहाँ पे मिलेगा छब्बीस वर्ष आपको इसमें मिलेगा तो देखिये सबसे अधिक उम्र क्या है आपको यहाँ पे चौवन वर्ष और सबसे कम उम्र आपको यहाँ पे छब्बीस वर्ष और इसके बाद देखिये सबसे अध्यापकों की आयु का परिसर क्या है परिसर यानी आपका रेंज रेंज क्या होता है सबसे अधिक में सबसे कम घटा दीजिए आपका यहाँ पे परिसर निकल कर आ जाएगा तो चौवन सबसे अधिक है और सबसे कम आपका छब्बीस छब है चौवन में छब्बीस घटाएंगे आपका अट्ठाइस वर्ष यहाँ पे आपका रेंज आ जाएगा ठीक है तो आप यहाँ पे अट्ठाईस वर्ष कर दीजिएगा इसके बाद देखिए माध्य आयु क्या है देखिए इन अधिक आयु तो देखिए सब जितना आपका है बत्तीस इकतालीस अट्ठाईस चौबन पैतीस छब्बीस तेईस तैतीस अड़तीस चालीस सबको जोड़ दीजिए है ना सबको जोड़ने के बाद टोटल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन आपके संख्या दस संख्या है तो कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या तो आपको कुल आंकड़े देखिए आपको ये है तीन सौ पचास आता है और आपका संख्या कितना है दस है तीन सौ पचास में दस का भाग देंगे पैतीस वर्ष आपका निकलकर आंसर आ जाएगा इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका बाईस बार दी गई आकृति में ए बी बराबर ए सी है और एडी बी एस सी के समोभाजा है ठीक है तो आपको यहाँ पे देखिए आपको चित्र दिया गया है है ना तो आपको यहाँ पे बताना है क्या आपके यहाँ पे एडी बी सर्वांग है एडीसी के देखिए एडी बी आपके आपका ये है एडीबी और किसके बोल रहा है एडीसी एडीसी आपका ये वाला है तो चलिए बहुत सिंपल कुछ नहीं करना है आपको यहां पे ए नंबर में ए बी बराबर एसी बिल्कुल देखिए ए बी बराबर आपके यहां पे एसी हो जाएगा और ए बी क्यू में देखिए ए बी और क्या लिखा है आपका यहाँ पे आपका ए बी डी करिए ठीक है आपको यहाँ पे इसे आपको मानना है एबीडी बराबर आपका एसीडी में आपका देखिए आपका यहाँ पे बीडी और सीडी बराबर बिल्कुल बराबर होंगे इस बार देखिए बी नंबर में यहाँ लोग ना आपको यहाँ पे बता देना है कि भाई साहब यहाँ पे बराबर होंगे और इसके बाद देखिए कोण बी बराबर आपका कोण सी है तो बिल्कुल आपका देखिए ए जब आपका यहाँ पे ए आपका किसके बराबर है आपका सी के बराबर है तो आता कोण भुजा एडीसी के बाद यहाँ पे बी यह बराबर सी है, तो हाँ है।, है? समकोण के सामने है देखिए समकोण के सामने कोण जब होता है तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपके यहाँ पे समान होते हैं तो आपको आंसर यहाँ पे निकल कर आ गया तो इसका क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे एक शब्द वाह की आपको रचना करनी है जिसकी प्रत्येक समान भुजा लंबाई सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर है और उसके बीच का कोण आपका 110 आपका डिग्री हो देखिए कुछ नहीं करना आपको एक आपको यहाँ पे ए बी लेना है आपका यहाँ पे रेखाखंड और ए बी रेखाखंड आपको चाहिए सिक्स पॉइंट आपका फाइव सेंटीमीटर और बी पर आप एक कोण बना दीजिए चांदी के साथ एक कोण बनाइए एक डिग्री का ठीक है बनाने के बाद क्या करिए यहाँ पे सिक्स कितने का सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर का एक चाप लीजिए और ऐसे काट दीजिए तो यहाँ पर आपको इस बिंदु पर आपको यहाँ पे चाप काटेगा और इससे आपको यहाँ पे ए को यहाँ पे किससे आपका सी को मिला दे देना है जैसे आप सी को मिला देंगे तो आपका कह पे त्रिभुज की रचना हो जाएगी सम्दुवा त्रिभुज की देखिए फाइव आपका ये भी है और सिक्स आपका ये भी है तो देखिए समद त्रिभुज आपके दो भुजा समान होते हैं देखिए सिक्स सेंटीमीटर सिक्स सेंटीमीटर आपके दो भुजा समान हो गए आपके पे निर्मित हो गया आपका सम्दवायु आपका त्रिभुज का चलिए आप चाहो तो यहाँ पे रचना के पद लिख सकते हो सिंपल है लेकिन पूछा नहीं गया तो मत लिखिए आपके नंबर पूरे मिल जाएंगे इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन देखिए चौबीस वाक क्या लिखा है संलग्न आकृति का एक आयताकार पार्क के मत एक वृत्ताकार फूलों की कैरी को दर्शाती है ज्ञात कीजिए पूरे पार्क का क्षेत्रफल और फूलों की कैरी को छोड़कर पार्क का शेष क्षेत्रफल ठीक है तो मतलब आपका पहले पूरा लेना है फिर आपको ये वाला भी आपको लेना है ठीक है देखिए तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है देखिए आयत का क्षेत्रफल के बराबर होगा ठीक है आपका ये वर्ग नहीं है आपका ये आयत है तो देखिये आयत क्या होता है लंबाई क्या होता है लंबाई और चौड़ाई होता है आपका यहाँ पे छेदफल इस इसका तो देखिए लंबाई से, से दस सेंटीमीटर है और चौड़ाई आपका पांच सेंटीमीटर तो दस गुड़े पांच आपके पचास वर्ग सेंटीमीटर या पचास सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा और बी नंबर देखिए फूलों की क्यारी का आपका यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना तो फूलों की क्यारी देखिए आपके बीच वाला क्या है आपका व्रत है तो व्रत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर तो पाई का मान तो आपके यहाँ पे थ्री होता है और देखिए आपका यहाँ पे त्रिज्या की बात करें तो आपका दो सी मीटर आपको यहाँ पे दिया गया है तो दो सेंटीमीटर आपको यहाँ पे आर की जगह दो रख देना है और स्क्वायर करते दो, दो हैं चार, चार का करिए एक चार में तो बारह सेंटीमीटर या फिर छप्पन सेंटीमीटर आपका यहाँ पे स्क्वायर आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा यही आपका यहाँ पे शेष भाग होगा और यही आपका इसका यहाँ पे क्षेत्रफल हो जाएगा तो देखिए हमने यहाँ पे टोटल आपके चौबीस क्वेश्चन एक ही वीडियो पर कंप्लीट कर लिए हैं तो आई होप आपको ये वीडियो दिल से पसंद आया होगा चलिए फटाफट वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और यदि आपने यहां पर क्वेश्चन नहीं देखा आपने क्वेश्चन ग्यारह से लेकर आपका बीस तक चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन ग्यारह स्टार्ट होता है देखिए आपका अलग होती तो क्वेश्चन ग्यारह से लेकर बीस तक तो निर्देश पढ़िए नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको यहाँ पे हल आपको लिखना है ठीक है क्वेश्चन देखिए आपका नंबर का है है तो क्या लिखा निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आपको एक संख्या रेखा पर आपको निरूपित करना है ठीक है तो आपको क्या करना है देखिए ए आपका तीन बटे चार बी आपका एक बटे दो और सी आपका माइनस तीन बटे चार ठीक है देखिए बहुत सिंपल आंसर है कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पे एक आपको संख्या रेखा लेना है ठीक है ऐसे करके और आपको बीच वाले पॉइंट पे आपको जीरो लेना है ठीक है और जीरो लेने के बाद आप चाहो तो एक संख्या रेखा यहां से यहां तक भी कर सकते हो आप ऐसे करिए देखिए मैं आपको समझा देता हूं कैसे आपको यहाँ पे हल करना है क्योंकि आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए ठीक है देखिए आप एक ऐसा संख्या रेखा लीजिए पूरा जो आपको यहाँ पे सीधा आपको यहाँ पे इतना लंबा चाहो तो आप पूरा ले लो और आपको यहाँ पे मध्य में आपको जीरो रखना है क्या रखना आपको? है आपको जीरो रख लेने हैं और जीरो रखने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पे देखिए लिखा तीन बटे चार तो तीन बटे चार में देखिए आपको तीन में भाग दीजिए चार का तो जीरो आपका सेवन आएगा जीरो पॉइंट सेवन और एक बटे दो में दो का भाग दीजिए तो दो जीरो दशमलव दो पंचे दस आपका जीरो दशमलव पांच आएगा और माइनस तीन बटे चार करेंगे तो आपका माइनस में आपका यहाँ पे जीरो पॉइंट आपका सेवन आएगा और बहुत सिंपल है देखिए अब यहाँ पे आपका ये जीरो वाला पॉइंट है और एक पॉइंट कहां होगा वन टू देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है तो आपका यहाँ पे वन होगा वन वन तो ये हो गया टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है तो आपको यहाँ पे एक होगा अब देखिए समझिए हर आपको यहाँ पे जीरो पॉइंट सेवन है जीरो पॉइंट फाइव है जीरो पॉइंट सेवन ये आपका माइनस में है तो भाई आपका यहाँ पे जीरो पॉइंट सेवन आपका ये प्लस वाला है तो कहाँ पे होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन मतलब आपका यहाँ पे जो है ये वाला स्थान देखिए आपका ये आपका तीन बटे चार हो जाएगा ठीक है ये वाला स्थान आपका तीन बटे चार होगा और इसके बाद देखिए आपको जीरो दशमलव पांच है तो जीरो दशमलव पांच एक दो तीन चार पांच आपका ये वाला जो आपका भाग होगा यहाँ पे आपको जीरो दशमलव आपका यहाँ पे पांच मतलब एक बटे पांच करना है ये वाले भाग पर और इसके बाद माइनस जीरो देखिए तो एक दो तीन चार पांच छह सात आपको यहाँ पे माइनस तीन बटे आपका चार लिख देना की सिंपल आपको यहाँ पे ऐसे आपको दर्शा देना है पूरे नंबर आपके तीन नंबर मिल जाएगा तो आपको यहाँ पे मैं इसका आंसर दे दिया हूं देखिए पूरा आपको यहाँ पे आंसर आपको सब एबीसी का आंसर पूरा यहाँ पे दर्शा दिया गया है इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन आपका बार बार देखिए क्या लिखा है चार गुड़े चारुड़े चार के आपको आधार दो लेते हुए आपको आपको रूप में लिखना है तो ये क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है कैसे देखिए आप देखिए पे कि चार को हम आपको देखिए दो आपका घात लेकर लिखना है तो चार को आपको कैसे लिखेंगे चार को आप ऐसे लिख सकते हैं दो घाते दो लिख सकते हैं दो दुनी इसका मतलब होता है दो गुड़े दो मतलब दो दुनी आपका चार ही होगा तो आप दो घाते दो भी से लिख सकते हैं तो यहाँ पर देखो हमने लिख दिया है देखिये चार को क्या करते हैं दो गुड़े दो घुड़े दो हो जाएगा अब देखिए इसे हम दो की घात दो आप लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं ना चलिए इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे कितने दिए एक दो लिखते हैं तो तीन को आपको लिखना पड़ेगा दो घाते जब यहाँ पे आपका क्या है मल्टीपल आपका हो तो आपका यहाँ पे एक ही आधार आपका यहाँ पे होता है और इसके आपके यहाँ पे जो आपका यहाँ पे घात लगा है वो आपके जुड़ जाते हैं तो दो का घात देखिए दो जुड़ जाएगा प्लस दो प्लस दो दो कितना छे तो दो की घात आपके यहाँ पे छह आपके यहाँ पे

उस x से तीन गुना मतलब तीन एक्स हो जाएगा और उससे चार आपका अधिक है, आप है देखिए बोल रहे हैं तो, है है, तो, है, तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो उनचास में चार आपका माइनस होगा तो तीन एक्स बराबर पैंतालीस और आपके यहाँ पे एक्स मान निकालेंगे तो तीन का भाग देंगे पैतालीस में तो पंद्रह दिया पैंतालीस एक्स समान आपका पंद्रह हो जाएगा मतलब कि आपके यहाँ पे यहाँ पे आंसर आ जाएगा रीमा की आयु रीमा की आयु आपका यहाँ पे पैंतालीस वर्ष कितना है आपका पंद्रह वर्ष सॉरी ठीक है क्या कितना है आपका पंद्रह वर्ष है ठीक है यहाँ पे आपका आंसर और पिता का यू कितना है आपका उनचास वर्ष है अब जोड़ लीजिए देखिए जैसे पैतालीस तो और हो जाएगा आपका आंसर निकल कर आ गया इसके बाद क्वेश्चन आपका चौथवा देखिए समान पदों को एकत्रित करके आपको व्यंजक को सरल करना है देखिए बारह एम स्क्वायर माइनस नाइन एम प्लस फाइव एम माइनस फोर एम माइनस सेवन एम प्लस आपका टेन ठीक है तो आपको सिंपल है देखिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको यहां पे आपको यहां पे करना पड़ेगा देखिए पहले आप जो है ना इसे आप अच्छे से लिखिए पहले लिखेंगे देखिए बारह आपका एम स्क्वायर वाले संख्या पहले लिखिए तो बारह एम स्क्वायर है हो गया और इसके बाद देखिए तो तो आपका, आपका यहाँ पे माइनस फोर एम स्क्सर माइनस को फाइव एम आपका यहाँ, पे, 5 M आपके यहाँ पे हो जाएगा और प्लस आपका टेन हो जाएगा अब देखिए बारह एम स्क्वायर में से आपका चार एम स्क्वायर आपका माइनस होगा तो बारह में से चार गया आपका आठ हो जाएगा तो आठ एम स्क्वायर और नाइन में देखिए नौ सात सोलह हो जाएगा कितना होगा आपका नौ सात सोलह होगा सोलह में देखिए अब क्या करना है आपको यहाँ पे सोलह गया है तो सोलह प्लस फाइव लिखा है प्लस आपका टेन तो सोलह एम तो आंसर निकाल के आ गया लेकिन आप उसमें पांच आपका प्लस है तो प्लस करेंगे तो माइनस आपका ग्यारह एम आएगा और प्लस आपका टेन तो यहाँ पे आपका संख्या एक ही दिया है तो आपका आंसर आ जाएगा एट एम स्क्वायर माइनस ग्यारह एम प्लस आपका टेन यहाँ पे आपका सिंपल सा आपको आंसर यहाँ पे लिख देना है आपका पूरा आंसर आपको पूरे आपके तीन नंबर मिल जाएंगे इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका पंद्रह ए बराबर आपका दो है बी बराबर दो है तो ए स्क्र प्लस ए बी प्लस आपका बी स्क्र का मान क्या होगा तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है देखिए कैसे करना है आपको यहाँ पे आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है आपको तीन नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे ए बराबर दो दिया है और बी बराबर आपका यहाँ पे क्या दिया आपको दो दिया है तो आपको सिंपल सा मान रख दीजिए ना एक के जगह में आपको यहाँ पे दो रखना पड़ेगा दो वर्ग हो जाएगा देखिए दो का वर्ग और ए का मान कितना है दो है बी का मान

मैं आपको समझा रहा हूँ टेंशन मत लीजिए बस आप वीडियो जिससे लाइक करिए ना देखिए आपको इतना मेहनत करके हम आपको आंसर बता रहे हैं देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा गया है यदि किसी त्रिभुज क्या लिखा है यदि किसी त्रिभुज के कोणों का आपका यहाँ पे अनुपात दो अनुपात तीन अनुपात चार है तो उसके प्रत्येक कोण का मान क्या होगा देखिए अगर बात करें त्रिभुज के अंत कोणों का को योगफल कितना होता है तो एक सौ अस्सी डिग्री होता है आपको इसको याद रखना है ठीक है आप इसे लिख सकते हैं और माना की त्रिभुज का आपका कोण कितना है आपका एक्स है भाई साहब पूछा गया प्रत्येक कोण का मान क्या है तो हम मान लेते हैं एक्स है तो अनुपात कितना होगा तो यदि आपका दो है तो यहाँ पे आपका दो हो जाएगा तीन है तो आपका तीन हो जाएगा और यहाँ पे चार है तो आपका यहाँ पे चार हो जाएगा सिंपल सी बात है अब यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे आप जानते हैं त्रिभुज के अंतर कोणों एक सौ अस्सी है तो दो एक्स प्लस, प्लस बटे आपका नौ तो नौ दोनों आपका अठारह तो मतलब आपका मान आपका बीस डिग्री हुआ तो पहला आपका मान देखिए आपका दो एक्स है तो मतलब एक्स के बराबर आपका बीस आ जाएगा तो जब एक्स का मान आपका बीस है तो बीस दोनों चालीस तो पहला कोण आपका यहाँ पे चालीस डिग्री और दूसरा कितना आपका यहाँ पे

वार्षिक दर से जमा किए जाए तो एक वर्ष बाद कितना आपका ब्याज बनेगा तो यार ये क्वेश्चन भी आपका बहुत सिंपल है देखिए बराबर का मतलब आपका मूलधन होता है कितना होता है आपका है? ये पी बराबर आपका यहाँ पे मूलधन चाहो तो आप इसे मूलधन बराबर दस हजार कर सकते हो दस हजार रुपए और इसके बाद देखिए आपके यहाँ पे आर आर मतलब आपका यहाँ पे दर होता है क्या होता है मैं आपको लिख देता हूँ मूलधन ये आपका ये होता है मूलधन पी और इसके बाद आपका यहाँ पे दर दर क्या आपका यहाँ पे आर है और इसके बाद आपके यहाँ पे देखिए समय आपका समय मतलब आपके यहाँ पे समय आपका टी होता है तो समय आपका टी बराबर एक वर्ष और ऐसा ही आपके 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 आपका यहाँ पे आपका ब्याज होता है क्या होता है आपका ब्याज होता है तो so, ब्याज आपका ऐसा ही होता है अब यहाँ पे एक सूत्र लगता है, ब्याज कितना तो आपका ब्याज है हजार दस और एक का गुड़ा करिए बटे आपका सौ कर दीजिए सूत्र में और आपका जीरो जीरो दो जीरो कैंसिल तो देखिए सौ गुड़े आपका पांच है। तो मतलब आपका, आपका, आपका पांच सौ रुपए कितना जाएगा एस आई बराबर आपका पांच सौ रुपए आपका आंसर निकल कर आ जाएगा चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है देखिए क्वेश्चन आपका अठारह एक समको त्रिभुज की आपको रचना करना है जिसका आपका कर्ण छह आपका सेंटीमीटर लंबा हो कर्ण कितना हो आपका छह सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए और एक आपका यहाँ पे क्या होता पाद, पाद आपका आधार, आधार आपका है चार सेंटीमीटर आपका लंबा हो तो बहुत सिंपल है देखिए आपको पहले आपको यहाँ पे देखिए आपको आपको एक भुजा लेना है पे चार सेंटीमीटर का और इसके बाद देखिए आपको यहाँ से एक बनाना है आपको क्या बनाना है आपको चांदे से लेकर आपको इसमें आपको एक प्रकार से आपको यहाँ पे नाइन्टी डिग्री आपको बनाना पड़ेगा कितना बनाना पड़ेगा नाइन्टी डिग्री और नाइन्टी डिग्री बनाने के बाद आपको यहां पे देखिए आपको आपको बिंदु सी से कहा से बिंदु सी से आपको एक चाप लगाना है कहां पे आपको इस 90 डिग्री वाले आपको लाइन में तो चाप लगाएंगे तो आपको यहाँ पे ए बिंदु पर लगेगा तो ए बिंदु पर लगेगा इसके बाद क्या करेंगे आपको हम यहाँ पे बीसी को आपको ए सी को मिला देंगे तो एसी को मिलाएंगे तो आप पे देखिए कर्ण आपका पे छह सेंटीमीटर आपका बन जाएगा तो आपको सिंपल आप से आपको रचना करना था आपको रचना पद लिखना है बीसी बराबर जो आपको हमने बोला वही आपको लिख देना है चार सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा हमने खींच दिया देखिए इसके बाद बिंदु बी पर देखिये बिंदु बी पर नब्बे डिग्री का कोड चांदी की सहायता से आपको बनाया

दो त्रिभुज की भुजाओं की बात कर रहा है आपको बारह सेंटीमीटर और आपके यहाँ पे पंद्रह सेंटीमीटर तो देखिए आपको यहाँ पे एक भुजा बारह सेंटीमीटर और दूसरा आपके यहाँ पे पंद्रह सेंटीमीटर है तो आपको इसमें देखिए आपको एक्स मान निकालना है कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन भाई साहब आपको यहाँ पे देखिए हम जानते हैं कि दो बुझाओं की लंबाई का आपका योग तीसरी बजाओ की लंबाई के आपके योग से ज्यादा होता है तो भाई साहब सीधी बात है आपको यहाँ पे जो है दो बजाओं की लंबाई होगा आपको तीसरी से ज्यादा ही होगा है ना हो होगा ही होगा बारह पंद्रह तो कितना होगा मुश्किल से मान लीजिए कितना भी ज्यादा हुआ तो आपका पंद्रह होगा बीस होगा लेकिन फिर भी आपका यहाँ पे दोनों का आंसर दोनों को जोड़ेंगे तो इससे आपका ज्यादा हो जाएगा तो बारह प्लस पंद्रह करेंगे तो एक्स से आपका बड़ा है बिल्कुल है बड़ा देखिए जैसा कि आपको बड़ा जिधर मुंह होता है आपका बड़ा होता है और एक्स आपका बड़ा किससे आपका सत्ताईस से सत्ताइस तो से मतलब आपका बड़ा है अब देखिए त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई आपका अंतर त्रिभुज आपको छोटा होता है आपको सिंपल सा पे आंसर कर देना आपको यहाँ पे इसके बाद देखिए आपको ये लिखना पड़ेगा थोड़ा सा आंसर पंद्रह माइनस बारह आपका बड़ा आपका है। तो थ्री देखिए माइनस कितना होगा थ्री होगा तो आपको यहाँ पे एक्स आपका बड़ा है आपका तीन से तो एक्स मान उससे बड़ा और सत्ताईस आपका कम आपको पे आंसर आ गया आपको आंसर इतना ही करना है पूरे नंबर आपके तीन में तीन नंबर मिल जाएंगे इसके बाद क्वेश्चन आपका बीस बात है त्रिभुज DEF आपका सर्बांगसा में देखिए भुजा त्रिभुज आपका BC का आपको त्रिभुज BC के उन भावों को लिखिए जो निम्न के संगत है आप कहाँ पे देखिए सिंपल सा सांसद कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे कोड आपका E कोड F और E आप देखिए आप यहाँ पे देखिए दो आपको यहाँ पे लिखिए DEF लिखिए DEF लीजिए और त्रिभुज BC तो आपको यहाँ पे आपको जो बुझा डी लिखा यहाँ पे देखिए समझिए पे डी तो डी बराबर होगा आपका बीसी के कितने होगा बीसी के और आपका यहाँ पे ई एफ देखिए ई एफ बराबर होगा आपका सीए के और इसका यहाँ पे डी एफ डी एफ आपका ये वाला और आपका ये बी ए तो डी एफ आपका होगा बी ए के आपको सिंपल क्वेश्चन निकालना है तो डी बराबर कितना हो जाएगा आपको डी हो जाएगा आपका बी के बराबर और आपका यहाँ पे ई देखिए ई बराबर हो जाएगा आपका सी के बराबर बस यही और आपका बात करें एफ का तो एफ आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे ए के बराबर तो देखिए हमने मान लग दिया अब यहाँ पे पूछा है कोण ई e के बराबर क्या होगा तो कोण ई e के बराबर का सी है तो यहाँ पे आंसर आ गया ए का और बी का देखिए ई e एफ बराबर क्या होगा तो ई e एफ बराबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा और सी नंबर कोण एफ बराबर आपका यहाँ पे आपका कोण ए हो जाएगा तो सिंपल आंसर देख लीजिए पूरा आपको आंसर ऐसे ही कर देना है पूरे नंबर आपके यहाँ पे मिल जाएंगे